है हर एक जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। वंडरफुल लाइफ मिनिस्ट्रीज में मैं आप सबका प्रभु में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर ने आज हम पर दया की और आज हम यहाँ उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को अवश्य देखें। हमारा यह प्रोग्राम हर शनिवार शाम 8 से 8:30 के बीच प्रसारित होगा। हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखकर परमेश्वर में अधिक बढ़े। आइए हम सब मिलकर वचन को सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, जो आकाश मंडल में है, जो पृथ्वी पर है, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर, तू हमारे हृदय को स्पर्श कर और हमारे हृदय से तू बात कर। परमेश्वर, तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करने दे। परमेश्वर परमेश्वर, तेरा वचन ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर कि हमारा जीवन उसे बदल जाए और हम तेरी राह पर अधिक चले। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, तू सुन। आमीन। We are so delighted to once again meet you all. आप सबसे मिलकर हम एक बहुत खुश हैं। You know, God really loves you. परमेश्वर आपसे प्यार करता है। You know, whatever celebration we have, we should make sure that we please Him. जो भी हम त्योहार मनाते हैं, जो भी हम खुशी मनाते हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम परमेश्वर को खुश करें। And if you are the person first time who's watching this telecast, यदि आप पहली बार इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं, I want to tell you, it's not by accident that you are watching this telecast. हम आपको ये बताना चाहते हैं किसी घटनावश आप ये टेलीकास्ट नहीं देख रहे। You are watching this telecast because God loves you and He has a plan for you. यहाँ पर आज इसलिए आप बैठे हैं क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। And whatever has happened in your past, do not worry. When you meet Jesus, He will make everything new. जो आपके साथ बीते समय में घटा है, आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, उनसे मिलेंगे, तो वो सब कुछ नया कर देगा। Maybe at present, everything may be going wrong. हो सकता है कि आप जो भी कर रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी ना मिल रही हो, सब गलत हो रहा हो। Maybe your family atmosphere is not very good. हो सकता है कि आपके परिवार का पारिवारिक जो वातावरण है, वो उतना अच्छा ना हो। Maybe you are having financial problems. हो सकता है कि आपके पैसे की तंगी हो। Or maybe you want to come closer to God, but somehow or other, it's not happening. हो सकता है कि आप परमेश्वर के करीब आना चाहते हो, लेकिन किसी वो छा नहीं पा रहे। You should never forget that when you come to Christ, you are in the process of change. You are not a changed person. आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब आप मसीह के पास आते हैं, तो आप परिवर्तन की क्रिया में होते हैं, ना कि परिवर्तित होते हैं। But many of them think that as soon as a person reads the Bible and prays, he should become perfect. बहुत से लोगों की ये धारणा है कि जब वो परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू करता है, प्रार्थना करता है, तो वो बिल्कुल उसमें परिवर्तन आना चाहिए। That is not at all true. ये सच नहीं है। Because although the disciples were with Jesus for 3.5 years, they were not changed fully. बेशक प्रभु यीशु मसीह के चेले 3.5 साल उनके साथ थे, लेकिन उनमें परिवर्तन नहीं आया। Because even about they put Jesus on the cross, Peter took a knife and cut one ear of a person. जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर देने के लिए पकड़ा जा रहा था, तो उस समय भी पतरस ने चाकू लिया और एक सैनिक का कान काट दिया। If Peter was in one of the churches today, they'd have kicked him out of the church. यदि आज पतरस आज की कलीसिया में कहीं होते, तो हो सकता है कि उसे कलीसिया से भगा दिया जाता। But Jesus just took the ear and put back in that man and said, Peter, control. प्रभु यीशु मसीह ने उस आदमी का कान उठाया और उसके कान को वापस लगा दिया और पत्रस से कहा कि तू अपने आप को संभाल। So I want to tell you, if you are a Christian, still things have not changed, still things have not happened, do not worry. यदि आप मसीही हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपके हालात नहीं बदले, तो आप चिंता मत कीजिए। For me also to come to this stage of my life, it has almost taken 43 years. हमारे साथ भी ऐसे हुआ कि इस मुकाम तक पहुंचने में 43 साल लग गए। So it is only by His grace and mercy we grow in grace, we grow in peace and prosperity. उसके अनुग्रह में ही हम आगे बढ़ते हैं और हम तरक्की करते हैं। And always when you pray, you tell God, I thank you for I am not where I was before, but I have really progressed.
जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो आपको यह कहना चाहिए कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जहां से मैं शुरू हुआ था वहां नहीं हूं लेकिन मैंने उन्नति की है. So when you come to Christ, when you read his word and pray, you will slowly become a better person, but you will not become a perfect person. जब आप प्रभु यीशु के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आप पहले से बेहतर होंगे. बिल्कुल उचित तो नहीं होंगे लेकिन पहले से बेहतर जरूर होंगे. We all will be perfectly all right only when we go to heaven. हम संपूर्ण रूप से उचित तभी होंगे जब हम स्वर्ग जाएंगे. You know, many people in Christianity and many organization tell their members that money is not everything. मसीही समाज में बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी क्लीसियां ऐसे हैं जो अपने क्लीसिया को कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है. But you see, their leader and their pastor will be living in luxury. तो जब आप उनके प्रचारक और उनके आगुओं को देखते हैं तो उन वो लोग बहुत ही आरामदायक जीवन गुजार रहे होते हैं. But somehow Christians have come to believe that in the name of Jesus, if maximum them are poor, they'll be very close to God. लेकिन मसीही लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि चाहे लोग गरीब होंगे लेकिन मसीही लोग परमेश्वर के प्रभु यीशु के करीब होंगे. Because I was brought up in a Christian mission, हमारा जो परवरिश है मसीही संस्था में हुई, I found out that to my personal study, because most of the people were poor, when they got a chance to steal, they stole money. तो हमने ये अनुभव किया कि अधिकतर लोग जो गरीब होते हैं थे और जब भी उन्हें मौका मिला तो उन्होंने पैसे को चुराया. So from small I decided, look here, if I'm going to be poor, I have to become steal and become rich, or maybe I have to use different illegal ways to earn money. तो बचपन से ही आपके दिमाग में ये आ रहा था कि या तो मुझे चोरी करके अमीर बनना होगा या गलत तरीका अपनाकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा. But in the Bible again and again I read that God wants to bless and want to prosper and lift up his children. बाइबल के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपने बार बार इस बात को पढ़ा कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आगे बढ़े. And one more thing I realized was, when you are poor, people don't care what you speak and what you say. आपने ये भी महसूस किया कि जब आप गरीब होते हैं तो लोग बिल्कुल परवाह नहीं करते कि आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं. And one more thing I realized, when we are poor and when you have no wisdom, the leader, whatever he does, you have to agree with him. तो हमने ये भी महसूस किया कि जब आपके पास ज्ञान नहीं है और आप गरीब हैं, तो जो आपका आगू जो कुछ भी कहता है, आपको आंखें मूंद कर उसके पीछे चलना पड़ता है, सहमत होना पड़ता है. And you're so scared because if you say something, you lose your job, and because you don't have money, you have to compromise with so many things which you actually don't like to compromise. आप इस भय में हमेशा रहते हैं कि यदि आप कुछ बोले तो आपकी नौकरी जा सकती है क्योंकि आप गरीब हैं और जो कुछ वो कहता है उसके साथ आपको समझौता करना पड़ता है. So today, चाहे आपको पसंद हो या ना हो. But today I feel because I have little money, not too much, at least I have, nobody can make me a slave in the name of Jesus to themselves. तो आज मैं ये महसूस करता हूं कि चाहे मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं है, थोड़ा पैसा है, लेकिन उस पैसे कारण मेरे को प्रभु यीशु मसीह के नाम में कोई गुलाम नहीं बना सकता. Because Christ has made us free and Christ has made us with wisdom and knowledge. क्योंकि मसीह ने हमें बिल्कुल मुक्त किया है, आजाद किया है और हमें ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है. So today I want you to pay attention to what I want to say about prosperity and God. आज मैं चाहता हूं कि आप इसे बड़े गौर से सुने क्योंकि आज उन्नति और परमेश्वर के विषय में आपको बताना चाहते हैं. You will see that in the Bible there are 2000 references to wealth and positions. बाइबल में 2000 जगह धन और उन्नति के बारे में लिखा है. There are more verses about money than about heaven or about hell or salvation. पैसे के बारे में स्वर्ग, नरक या जन्म जहन्नुम से ज्यादा बार लिखा गया है. But I am not telling money is equal to peace and happiness. हम ये नहीं कह रहे कि जो पैसा है उस वो शांति और सुख के बराबर है. But the saddest part what I see in the world is
मनी इज लिटरली अटैच टू एवरीथिंग। सबसे दुख की बात यह है कि हर काम के साथ आज हमने पैसे को जोड़ दिया है। देयर इज नथिंग इन योर लाइफ, योर चर्च, होम और स्कूल यू कैन हैव विदाउट मनी। आपके जीवन में, आपके घर में, आपके कार्यस्थल पर या आपके क्लीसिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो पैसे से ना जुड़ी हो। यू गो टू स्कूल, यू पे द फीस। आप स्कूल जाते हैं, वहां फीस देते हैं। यू गो टू बाय अ होम और स्टे इन अ रेंटेड हाउस, यू पे रेंट। यदि आप घर खरीदना चाहें या किराए पे रहना चाहें तो वहां पैसा भरना पड़ता है। यू गो टू चर्च टू आस्क गॉड्स ब्लेसिंग एंड पास्टर्स वेटिंग टू आस्क योर ब्लेसिंग। आप चर्च जाते हैं, परमेश्वर के भवन जाते हैं और आप जब आशीष लेना चाहते हैं तो वहां जो प्रचारक आपसे आशीष पूछता है। सो मनी इज लिटरली टाइड टू एवरीथिंग। आज पैसा जो है हर चीज से जुड़ा हुआ है। एंड ऑफ द 38 पैराबल्स जीसस टोल्ड, 16 डील विद हाउ वी हैंडल मनी। और जो 38 दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं उनमें से 16 जो है वो जुड़े हुए हैं कि हमें पैसे का उपयोग कैसे करना चाहिए। And one out of 10 verses in the Bible, that means one in every 10 verses talks about money. Bible में यदि आप गौर से पढ़ें, तो 10 पद में से एक पद पैसे की ही बात करेगा। And if you read the teachings of Jesus and the life of Jesus, Jesus talked 10 times more about money than he did about heaven and hell. यदि आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में या प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में पढ़ें, तो आप ये जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वर्ग और नरक से ज्यादा प्रचार पैसे के विषय किया। Why is that? ये ऐसा क्यों है? Because Bible is not against money. परमेश्वर का वचन जो है पैसे के विरुद्ध नहीं है। But the problem is money becomes a problem when you love money and leave God. यहाँ पर समस्या ये है कि जो ये पैसा है ये तब आपके लिए समस्या बन जाता है कि जब आप पैसे को ज्यादा अहमियत देते हैं, प्यार करते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। So we have to see that when God wants to prosper you, give you good health and strength, He wants you to keep money where is money and keep God where is God. जब परमेश्वर आपको तरक्की देना चाहता है, उन्नति देना चाहता है, स्वास्थ्य देना चाहता है, तो उस समय परमेश्वर ये चाहता है कि जहाँ पैसा रखना चाहिए उसको वहीं रखो और जो परमेश्वर का स्थान है वो परमेश्वर को दो। So in 3 John 1:2 we read, यहाँ तीसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 2 पद को देखें तो यहाँ लिखा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। What is the Bible saying? यहाँ वचन क्या कह रहा है? Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in good health even as your soul prospers. यहाँ लिखा है, हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। So there are 3 things in this verse. यहाँ पर इस पद में 3 चीजें लिखी गई। First is God feels that you have to prosper. यहाँ पर परमेश्वर पहली बात ये महसूस कर रहा है कि आपने उन्नति करनी है। Not as the teachings of nowadays where it says you have to be poor, you have to be keep begging God, you have to be really things are hard to get, then you are a Christian. आज की शिक्षा के अनुसार नहीं, जैसे आज बता लोग कहते हैं कि आपको गरीब रहना चाहिए, आपको भीख मांगते रहना चाहिए, परमेश्वर से मांगते ही रहना चाहिए तभी आप उन्नति करेंगे। So if you see one pastor Leo had gone to preach in one place. लियो नाम का एक प्रचारक था जो एक जगह प्रचार करने के लिए गए। And when he went, there were only about 340 rich friends who had come to one big hotel to have party. जब वो प्रचार करने के लिए गए, तो वहाँ उन्होंने देखा कि 340 ऐसे अमीर दोस्त हैं जो उस होटल में पार्टी करने के लिए आए। And one of his friends said, "Arey, why don't you come and stand and preach and tell what work we are doing in Africa?" तो उनके प्रचारक के एक दोस्त ने कहा कि आप खड़े होकर ये क्यों नहीं बताते कि आप अफ्रीका में क्या काम कर रहे हैं। So anyway, he agreed and the time was given was 15 minutes. और किसी तरह से वो सहमत हो गए, जो उन्हें समय दिया गया वो केवल 15 मिनट का था। So what he did was he took the 15 minutes and told his rich friends what work is doing in Africa and what is the requirement. तो उस 15 मिनट में उन्होंने खड़े होकर उन अमीर दोस्तों से को बताया कि वो अफ्रीका में क्या काम कर रहे हैं और उन्हें किस बात की जरूरत है। And in 15 minutes he could raise 4.5 crore rupees. और 15 मिनट में 4.5 crore रुपया वहां इकट्ठा हो गया। And from there Pastor Leo was directly about to go to one more church where they had 4000 members.
और वहां से पास्टर लियो को एक ऐसे चर्च में जाना था, ऐसे क्लीसिया में जाना था जहां 4,000 लोग इंतजार कर रहे थे। And he wants to take a seminar for 4 days about giving. और वहां पर उन्होंने 4 दिन प्रचार करना था कि कैसे हम दे सकते हैं। And there were 4,000 people. और वहां 4,000 लोग थे। After 4 days preaching to 4,000 people, he collected only 70,000 rupees. और 4 दिन वहां प्रचार करने के बाद, 4,000 लोगों को प्रचार करने के बाद वो केवल 70,000 रुपया इकट्ठा। You know what Pastor Leo says? Pastor Leo आप कहते हैं, When I went to the hotel and met those rich Christian men, जब मैं होटल जाकर उन अमीर मसीही लोगों से मिला, I talked for 15 minutes to 340 people, I would raise 7.5 crores. और वहां पर तो लोगों से मैं 15 मिनट प्रचार करके 7.5 लाख करोड़ इकट्ठा कर पाया। Here I talked for 4,000 people for 4 days and collected only 70,000 rupees. यहाँ 4 दिन 400 लोगों से प्रचार करके मैं केवल 70,000 रुपए इकट्ठा कर पाया। He said, you know, what is the difference? वो कहने लगे कि फर्क क्या है? Thinking is different. कि हमारा जो सोच है वो अलग है। Here people are scared to give because they don't have much. यहाँ लोग देने से डरते हैं क्योंकि इनके पास ज्यादा नहीं है। There God has given them so much. And God knows that they will share, so they are becoming ever richer. तो वहाँ पर परमेश्वर ने बहुत दिया है और परमेश्वर जानता है कि ये हमेशा बांटने के लिए तैयार होंगे और इसलिए वो और अमीर होते चले जा रहे हैं। So Leo says, somehow Christianity is not about money, but it is about God giving to you and you giving to others. Pastor Leo कहते हैं कि जो मसीहत है, वो पैसे के विषय में नहीं है। उसका सिर्फ यही है कि परमेश्वर आपको दे रहा है और आप परमेश्वर को दे रहे हैं। Then when that process what happens? God keeps giving more and more when you keep sharing more and more. और इस विधि में जब आप देते रहते हैं, बांटते रहते हैं, परमेश्वर आपको ज्यादा देता रहता है और आप बांटते रहते हैं। And you know what Ellen G. White says? और Ellen G. White क्या कहती हैं? A Christian life is like a well. कहती हैं मसीही जीवन एक कुएं के समान है। You know the well doesn't overflow. और जो कुआं है वो ऊपर तक नहीं भरता, ऊपर से पानी नहीं बहता उसका। It's always down. उसका जो पानी है हमेशा नीचे ही रहता है। But the secret is, people come and keep on drawing water, but the well doesn't get empty. और उसका भेद ये है कि लोग उसमें से पानी निकालते रहते हैं, कुआं खाली नहीं होता। Why? क्यों? Because when they take out, again the level of water gets filled up. जब उसमें से पानी निकाला जाता है, तो पानी का स्तर वापस वहीं आ जाता है। The same is with Christians. और मसीही लोगों के साथ भी ऐसे ही है। When you give money to people, जब आप लोगों की सहायता करते हैं, when you give your time to poor people, जब आप अपना समय गरीबों को देते हैं, when you give your talent to support the poor people, जब आप अपना जो आपको तोड़े दिए गए हैं, जो आपको हुनर दिया गया है, वो लोगों के लिए बांटते हैं, what God will do is slowly, slowly start giving you more and more. तो परमेश्वर धीरे-धीरे आपको ज़्यादा-ज़्यादा देता रहता है. So take out of your mind that God wants you to be poor and miserable and weak on the earth and only in heaven you're going to get everything. तो ये अपने दिमाग से हम चाहते हैं कि आज निकाल दीजिए कि आप इस धरती पर गरीब ही रहेंगे और स्वर्ग में अमीर होंगे. And you should not always tell yourself, oh, there's nothing going to good happen on this earth for me. ये भी आप अपने आप से कभी मत कहिए कि इस धरती पर रहते हुए आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता. Today we're going to meditate in Deuteronomy 28 verses 8 to 13. आज हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसके 8 पद से आगे हम देखने जा रहे हैं. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ोतरी करके तेरी भलाई करेगा. यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को ऊपर उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा. What does the Bible say? यहां वचन क्या कहता है? Here God is telling his people and promising, look here, if you follow me and I follow my commandments,
there are few things that I'm going to give for you. तो यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से वायदा कर रहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और उन पर चलो तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दूंगा. The problem is people want things from God but they don't want to follow his commandments. यहाँ समस्या यही है कि लोग उससे आशीषें तो लेना चाहते हैं लेकिन उसकी आज्ञाओं की पालना नहीं करना चाहते. You should never forget when you compromise with the world and compromise with every sin that you enjoy, so much less blessings are going to come from God. हमेशा याद रखिए कि जब आप संसार के साथ समझौता करेंगे, हर स्थिति कर्म के साथ मनोरंजन के लिए समझौता करेंगे, तो आपको परमेश्वर से आशीष नहीं मिलेगी. So the first promise that God wants to give is in the 10th verse. It says, "And all the people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee." यहाँ पर जो वादा दिया गया है 10 पद में, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू परमेश्वर का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे. But the problem is today many Christians are scared of everybody, then people be scared of them. यहाँ आज समस्या क्या है कि मसीही लोगों से लोग नहीं डरते बल्कि लोगों से मसीही लोग डर रहे हैं. Why is that? ये ऐसा क्यों है? Because Satan is very smart. क्योंकि शैतान बहुत he knows if I let this people be free and happy, they will start praising God more and do work more. So it puts the fear in us and keeps us always behind. वो जानता है कि यदि मैंने इन्हें खुश होने दिया और परमेश्वर के करीब आने दिए, ये परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे, परमेश्वर और देता जाएगा और ये मेरे हाथ से निकल जाएंगे, इसलिए वो पहले डर उनके दिल में डाल देता है. But I want to tell you as God says, do not be afraid. जैसे परमेश्वर कहता, हम भी कहना चाहते हैं कि डरिए मत. Don't worry about things which are not real. जो सच नहीं है उन चीजों के बारे में आप चिंता मत कीजिए. You know, I went one to one family to pray. एक परिवार में आप प्रार्थना के लिए गए. That man is so scared to send his wife outside because he thinks that something will happen to his wife. वहां जो भाई है वो अपनी पत्नी को घर से बाहर भेजने में इतना डरता है, उसके दिमाग में ये भय बैठा हुआ है कि यदि उसने अपनी पत्नी को बाहर भेजा तो वहां कुछ हो ना जाए. You know, he is fearing simply which is not there. और वो बेकार में भय कर रहा है कि जो है ही नहीं. I want to tell you, we as Christians should know that God is with us and we are not going to fear anything. मसीही होने के नाते हम आपको बताना चाहते हैं कि आप ये कहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं किसी बात से का भय नहीं करूंगा. Maybe some of you are fearing that evil one will trouble you. हो सकता है आप ये भय कर रहे हो कि वो जो दुष्ट है आपको तंग करेगा. Or maybe some of you are fearing that suddenly something will happen to me or my children and a disaster will take place. हो सकता है आप इस बात का भय मान रहे हो कि अचानक से मुझे और मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा, तो आप इस बात का भय दिल में बैठा के. Because of this fear, somehow you are not able to be happy and joyful in your family. इस भय के कारण आप अपने परिवार में खुश नहीं रह पा रहे हैं. Because of the fear of losing money, you're always scared to use money. आप पैसे को खो देने के भय से आप अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे. But I want to tell you in the name of Jesus, follow his commandments and be courageous and he will take care of you. मसीह के नाम में हम आपको कहना चाहते हैं अगर आप उसकी आज्ञाओं का पालना कीजिए और उसके पीछे चलिए. Because when the Lord is with you, you need not fear anything. जब परमेश्वर आपके साथ होगा तो आपको किसी बात से भय करने की जरूरत नहीं है. I do not know what fear you have. हम नहीं जानते कि आज आपको किस बात का भय है. आर यू फियरिंग द डार्कनेस? क्या आप अंधेरे से डर रहे हैं? आर यू फियरिंग दैट सडनली यू लूज योर जॉब? क्या इस बात का आपको डर है कि अचानक आपका नौकरी जाती रहेगी? आर यू फियरिंग दैट योर पार्टनर विल चीट एंड रन अवे फ्रॉम यू? क्या आपको ये भय है कि आपका साथी आपको धोखा देगा और भाग जाएगा? आर यू फियरिंग दैट यू मे नॉट गेट मैरिड? या आपको ये भय है कि आपकी शादी नहीं होगी? आई वॉन्ट टू ब्रिंग you to bring all the fears to the feet of Jesus. मैं चाहता हूँ कि आपके सारे डर हम लेकर परमेश्वर के चरणों में रखें. Because God is waiting that you prosper and you be health and above that your soul prospers. परमेश्वर ये चाह रहा है कि आप उन्नति करें, तंदुरुस्त रहें और आप आत्मिक उन्नति भी करें. Now because we have shortage of time, next week we'll continue. आज समय के अभाव है इस कारण हम अगले हफ्ते फिर इसको जारी रखेंगे. Because I want to tell you today, God is not mad at you. हम आपको ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके आपसे बेफिक्र नहीं है. He wants to bless you. वो आपको आशीष देना He wants to bless your children. वो आपके बच्चों को आशीष करना चाहता है. But only one thing is waiting for you to come according to his will.
केवल वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि उसके इच्छा के अनुसार आप उसके पास आ जाइए। Shall we pray and tell God to deliver us from all fears? क्या हम परमेश्वर के सामने बेनती करें कि वो हर डर से हमें मुक्त करे? Shall we tell God, Lord, let me not fear money or poverty because you are there to bless me? क्या हम परमेश्वर से कहें कि हमें इतनी हिम्मत दे कि हम गरीबी से ना डरे, पैसे का भय ना खाएं, क्योंकि आप हमें आशीष देना चाहते हैं? Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Mighty God, Heavenly Father, स्वर्ग के पिता महान परमेश्वर, Lord, you are our rock and you are our salvation. प्रभु आप ही हमारी चट्टान और हमारी मुक्ति हैं। Lord, as you said that all will look at us in fear. जैसे आपने प्रभु कहा है कि सभी हमें भय से देखेंगे। But Lord, it is sad because we are not in your will and not following you, we are fearing everything, O Master. बहुत दुख की बात है कि हम आपके इच्छा के अनुसार नहीं है, इसलिए हम दूसरों का भय सबका खा रहे हैं। Lord, let us not fear who can kill the body, but let us fear those who can kill the soul, O Master. प्रभु होने दीजिए कि जो शरीर को घात करते हैं हम उनसे ना डरें, लेकिन हम उससे डरें जो हमारी आत्मा को भी खत्म कर सके। Lord, today I pray for the people those who are fearing what is not real, O Master. हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो असत्य के लिए भय करते हैं। Lord, I pray for the families those who are fearing that something will happen to the children, O Master. हम उन परिवारों के लिए दुआ कर रहे हैं स्वर्ग के पिता जो अपने बच्चों के लिए डरते हैं। Lord, I pray for the person, O Lord, who's fearing that suddenly disaster will come into his house. हम उस परिवार के लिए, उस भाई के लिए भी और उस सज्जन के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस बात का भय रखता है कि अचानक से उसके परिवार में तबाही आ जाएगी। Lord, I pray for the families who are suddenly fearing a financial collapse, oh Master. हम उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं जो पैसे की तंगी से गुजर रहे हैं। Lord, I pray that you will bless them, oh Master. हमारी बेनती है प्रभु कि आप उन्हें आशीष दीजिए। Deliver them from whatever fear they are in. जिस भी भय में वो जी रहे हैं उससे आप मुक्त कीजिए। Lord, let them know that you want to prosper them, give them good health and prosper even their soul. आप उन्हें दीजिए कि वो ये जान लें कि आप उन्हें उन्नति देना चाहते हैं, उन्हें तंदुरुस्ती देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आत्मिक तौर से भी बढ़े। In Jesus name we pray. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।